नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको ये FM बोर्ड है जो देख सकते हैं, तो इसकी ICP नंबर 5710 है। बहुत सारे ऐसे सर्किट आते हैं जो कि आपको 16-19 नंबर की IC लगी हुई आती है, और ये जो है 5710 नंबर की इसमें IC लगी हुई है। आपको दिखा दूँ मैं सही से, तो ये 5710 नंबर की IC इसमें लगी हुई है। तो बात करेंगे, ये जो सर्किट लगी हुई थी तो ये होम थिएटर में लगी हुई थी, जिसका यहाँ पे जो है इसका VC भी लगा हुआ था। आप देख सकते हैं इनमें VC की होलो बनी हुई है। तो वो बहुत सारे कंपनी जो अपने अपने हिसाब से सर्किट बनाती है और उनमें जो है सेटिंग किया रहता है, तो ज़रूरत नहीं कि ये होम थिएटर में लगी हुई थी तो आप जो है इनको सिर्फ होम थिएटर में प्रयोग कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मर्जी है, किसी भी ऑडियो बोर्ड में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस आपको इसकी फंक्शन समझनी होगी कि ये कितने वोल्ट से चलते हैं और कौन कौन सा कनेक्शन इनका जो है निकाला जाता है। तो मैं इस वीडियो में इनका कनेक्शन किस तरीके से होगा वो मैं बतलाऊंगा, और इसी वीडियो में मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इसकी वायरिंग डिटेल आपको समझाते हैं, और अगले वीडियो में जो है या नेक्स्ट टाइम किसी भी वीडियो में समय हिसाब से जो है मैं इसकी वायरिंग के साथ साथ इसको बजा के भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो IC लगी हुई है, ये 5710 है, ये ज़्यादातर फिलिप्स रेडियो में स्टेशन की IC के रूप में यहाँ 5710 आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे फिलिप्स कंपनी जो है 5710 IC का प्रयोग किया हुआ है। तो अगर ये FM वेव में लगी हुई है तो ज़रूरत नहीं कि FM वेव में सिर्फ काम करेगी। अगर किसी रेडियो में आपकी अगर 5710 IC ख़राब है तो ये IC निकाल करके उसमें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बस इसकी FM की जितनी भी पिनें हैं उसकी वायरिंग करके इनमें जो है FM वेव सिर्फ बनाया गया है। तो चलिए, इसका प्रयोग आप किसी भी ऑडियो बोर्ड में कर सकते हैं, चाहे वो गेट का ऑडियो बोर्ड हो 44-40 या 62-83 हो, या होम थिएटर की मान लीजिए 20-30 लगी उसमें हो, या किसी भी अन्य ऑडियो बोर्ड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग हम आपको बतलाते हैं कि कौन कौन से कनेक्शन आपको कहाँ कहाँ करने हैं। तो सबसे पहले आपको इनमें बैटरी की कनेक्शन करनी होगी, जो कि आपने किसी अगर FM वेव की जो बोर्ड होती है उसमें देखे होंगे 16-19 की जो IC लगी होती है, तो उसके बैटरी जहाँ पे कनेक्शन किया रहता है तो उसके आगे जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो कि सीधा 12 वोल्ट सप्लाई से सीधा ही 3 वोल्ट 4.5 वोल्ट बना करके उसमें सप्लाई IC पे गई रहती है। तो इसी तरह इनमें भी है। अब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको
सीधा ही यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। ये जो जली हुई रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये ऐसी ख़राब हो इसके वजह से जल गई हो, या ऑटोमेटिक कुछ खराबी के कारण जल गई हो। जो भी कारण हो, इसको मैंने चेक नहीं किया कि ये सही है या ख़राब है, क्योंकि जब तक इनमें बैटरी की कनेक्शन नहीं होगी ये ऐसी का पता नहीं चलेगा कि ये सही है या ख़राब है। तो बैटरी की कनेक्शन यहाँ पे आपको करने होंगे 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 4.5 वोल्ट 3 वोल्ट बना करके यहाँ सीधा ही, आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा ही यहाँ पे इसका कनेक्शन आया हुआ है। अगर यहाँ पे आप 12 वोल्ट की कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आप 4.5 वोल्ट की कनेक्शन करें, तो 4.5 वोल्ट सीधा ही यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। ये रेजिस्टेंस आपको नहीं लगानी है, तो यहाँ पे सिर्फ 4.5 वोल्ट की कनेक्शन यहाँ करें और एक ग्राउंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस आई हुई है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर ये प्लस आई हुई है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ जो कि यहाँ निगेटिव है, देख सकते हैं इस साइड निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। तो ये यहाँ का ट्रांजिस्टर के लिए है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्लस देख सकते हैं प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ भी कनेक्शन कर सकते हैं माइनस का, यहाँ भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का यहाँ बिंदु बना हुआ है, यहाँ माइनस का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गई बैटरी की, इसके आगे आपको क्या कनेक्शन करना है। तो बैटरी की जैसे ही इनमें लाइन इन होगी तो ऑटोमेटिक ये आईसी ऑन हो जाएंगे और यहाँ से जो है आपको सीधा ही ऑडियो निकालेंगे। तो ऑडियो कहाँ निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 2 बिंदु भी बने हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ आते हैं ऑडियो, यहाँ पे कैपेसिटर लगा करके यहाँ पे सीधे यहाँ ट्रांजिस्टर लगा करके यहाँ फर करके जो है आया हुआ है ऑडियो। तो यहाँ पे आपको ऑडियो के कनेक्शन करने हैं जो कि डीसी से आते हैं, यहाँ पे ऑडियो के कनेक्शन करने हैं, यहाँ माइनस करने हैं और यहाँ का प्लस आपको यहाँ पे करने, तो प्लस माइनस और यहाँ पे ऑडियो। अब बात आती है एंटीना कॉइल की, जो कि आपको सीधा ही इसको फ्री रखना है जिससे सिग्नल आएंगे और यहाँ पे जो भी आपको ऑडियो प्राप्त होंगे ये एम्पलीफायर होकर निकलेंगे। तो एंटीना का जो कॉइल का लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल बना करके यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है और ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे कंटेक्ट रहता है और यहाँ पे पीएफ लगा दिया रहता है यहाँ पे। तो सीधा ही एंटीना के वायर जो है यहाँ पे आपको जोड़ने होंगे। दूसरा भी सर्किट 16-19 के बारे में मैं आगे बतलाऊंगा आपको, इसी तरह से सभी में रहता है। तो इस हिसाब से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के बस इतना ही, वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।